तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर डेटा प्रोसेसिंग फॉर द मशीन लर्निंग, यानी किस तरीके से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है। और इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे तो सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होते चलेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग द डेटा एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर द मशीन लर्निंग मॉडल। यानी जो डेटा प्रोसेसिंग है एक प्रकार का प्रोसेस है जो प्रिपेयर करता है डेटा को और मेक करता है एक सुटेबल एग्जाम्पल को प्रोवाइड करने के लिए मशीन लर्निंग में। अगला पॉइंट कह रहा है कि एज क्वालिटी ऑफ द डेटा अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ मॉडल टू लर्न, हेंस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी प्री प्रोसेस डेटा बिफोर गिविंग इट्स इनपुट टू मॉडल। यानी इनपुट देने से पहले हम क्या करते हैं, पहले डेटा को प्री प्रोसेस करके देखते हैं क्या उनका प्रोसीजर है, उसके बाद ही हम इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेनेवर द डेटा इज गैदर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इट इज कलेक्टेड इन रो फॉर्मेट व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर द एनालिसिस। यानी जब कभी हम डेटा को गैदर करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग और उसको कलेक्ट करते हैं एक रो के फॉर्मेट में, जो क्या होता है, एक सुटेबल एनालिसिस नहीं होता। सो द डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द टेक्निक दैट इज यूज टू कन्वर्ट द रो डेटा इन द क्लीन डेटा सेट। यानी जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसके मदद से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा रो में अरेंज रहता है उसको एक प्रॉपर और क्लीन डेटा सेट के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के मदद से उसको अरेंज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा इन रो फॉर्मेट कंटेंट्स नॉइज, मिसिंग वैल्यूज, अनसोलेबल, अनयूजेबल फॉर्मेट। अगला आपका है डेटा प्रोसेसिंग क्लीन्स द डेटा एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल व्हिच आल्सो इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल। यानी जो डेटा प्रोसेसिंग है प्रोसेस, वो क्या करता है, आपके मशीन लर्निंग में जो भी एक्यूरेसी होता है उसको इंक्रीज करता है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। यहाँ पे स्टेप आपका आता है स्टेप इन्वॉल्व फॉर द इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग फॉर द डेटा मशीन लर्निंग, जिसमें पहला स्टेप आपका है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, इस फिगर को थोड़ा सा आप नेगलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये गलती से यहाँ पे अटैच हो गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि दिस स्टेप इन्वॉल्व गैदरिंग डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, फाइल एंड द एक्सटर्नल रिपोजिटरी। अगला आपका है बिफोर स्टार्टिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट नो हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द एंड मशीन लर्निंग मॉडल। यानी जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं रहती कि वो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ डेटा मॉडल के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि नोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीव बाय द एल्गोरिथम विद असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो इट हेल्प इन गेटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ द डेटा वेरिएबल रिक्वायर्ड एंड मिसिंग। यानी जो डेटा हमारा जो प्रोसेसिंग है, जो डेटा प्रोसेसिंग अप्रोच है, इस प्रोसेसिंग अप्रोच की मदद से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारा मिसिंग है, कौन सी चीजें मतलब मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली इस डेटा कलेक्शन का यूज करते हैं। अगला आपका है डेटा आर्गुमेंटेशन। तो डेटा आर्गुमेंटेशन क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन सम केसेस डेटा आर्गुमेंटेशन माइट बी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा सेट विदाउट गेटिंग मोर डेटा। यानी बिना उस डेटा में डेटा को इंक्रीज किए बगैर हम उस डेटा के साइज को एक्सपेंड करें, वही आपका डेटा आर्गुमेंटेशन कहलाता है और इस केस के अंदर वही होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ वी हैव मोर डेटा द बेटर विल बी आवर मशीन लर्निंग मॉडल। यानी यदि हमारे पास ज्यादा डेटा है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम उसमें मशीन लर्निंग मॉडल का यूज कर लें। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिफोर बट एवरी डेटा कलेक्शन प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद अ कॉस्ट। यानी प्रत्येक जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस है वो एसोसिएट होता है किसके मदद से, कॉस्ट के मदद से, यानी मनी के मदद से, यानी प्राइस जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड दिस कॉस्ट कैन बी टर्म ऑफ डॉलर्स, ह्यूमन एफर्ट, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एंड टाइम कंज्यूम इन द प्रोसेस। यानी वो डॉलर में हो सकता है, ह्यूमन एफर्ट में हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन किसी भी वर्क को कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें उसका एफर्ट लग रहा है, कोई भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है उसमें भी इसका वर्क लग रहा है, और कोई टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी उसके अंदर होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि देयरफॉर वी मे नीड टू आर्गुमेंट द एग्जिस्टिंग डेटा टू इंक्रीज द डेटा साइज दैट वी फिल टू आवर मशीन लर्निंग मॉडल। यानी यही कारण है कि हम क्या करते हैं, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल का जो जरूरत है उसको महसूस करते हैं डेटा ऑगमेंटेशन हम अगर अप्लाई करेंगे तो। अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ अ डेटा सेट ऑफ इमेज विल कलेक्ट दे कैन बी ऑगमेंटेड बाय किसके द्वारा,
roasting the original image, crop the original image differently, and alternating the light condition. So for one image you can generate the different sub sample, yani ek image ki madad se aap kya kar sakte hain, different type of sub image bana sakte hain. तो अगला फ्रेंड इसी के अंदर हमें पढ़ना है डेटा लेबलिंग क्या होता है. तो डेटा लेबलिंग में पहला पॉइंट कह रहा है कि द डेटा लेबलिंग इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल माइट बी आल्सो अ पार्ट ऑफ द डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस. यानी डेटा जो लेबलिंग है एक प्रकार का सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है जो एक पार्ट है किसका, प्री जो आपका प्रिपरेशन प्रोसेस होता है उसका एक पार्ट है. अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी डन मैनुअली यूजिंग द स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क. यानी स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क की मदद से हम इसको मैनुअली डन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. स्टेप टू आपका है डेटा प्री प्रोसेसिंग. तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें कह रहा है कि एज द डेटा कलेक्टेड इन स्टेप वन, यानी जो भी स्टेप वन के अंदर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे मे बी अनडिजायर्ड फॉर्मेट अनऑर्गेनाइज, यानी वो क्या होगा, वो तो अनडिजायर्ड फॉर्मेट में होगा, अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होगा और वो लार्ज भी होगा. सो फर्दर स्टेप आर नीडेड टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द डेटा. यानी सबसे पहले हम उस डेटा की क्वालिटी को इनहेंस करेंगे. और स्टेप फॉर प्री प्रोसेसिंग डेटा, यानी प्री प्रोसेसिंग डेटा को करने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो किए जाएंगे, जिसमें आपका पहला है फॉर्मेटिंग. यानी हम उस जो डेटा रहेगा उसको फॉर्मेट करेंगे. यानी फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ऑल द वेरिएबल विद इन द सेम एट्रीब्यूट आर कंसिस्टेंटली रिटन. यानी जो भी सेम एट्रीब्यूट के वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको हम कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ऑल द फोन नंबर एड्रेस और सम ऑफ मनी शुड बी रिटन इन द सेम इफ द फॉर्मेट ऑफ अवॉइड वैल्यू इन द सेम कॉलम लाइक 20.05 डॉलर 80 एंड डॉलर 20 एंड 2 सेंट. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक अलग रो में, एक अलग कॉलम में हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेड करेंगे. ओके आगे आपका है डेटा क्लीनिंग. डेटा क्लीनिंग में कह रहा है कि डेटा क्लीनिंग इज अप्लाइड टू रिमूव द अननेसेसरी डेटा एंड मैनेज द मिसिंग वैल्यू. यानी जो डेटा क्लीनिंग मेथड है वो अप्लाई करता है प्रोसेस को रिमूव करने में, कि जो भी अननेसेसरी डेटा है उनको, जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको अच्छी तरीके से हम अरेंज कर दें. उसके बाद एट दिस स्टेप यू कैन रिमूव द डुप्लीकेशन स्मूथ वाइज डेटा एंड आइडेंटिफाई और रिमूव आउटलायर्स एंड इफ थ्रो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बाय द डोमेन एक्सपर्टाइज सो दैट दिस डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडल. यानी जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मॉडल के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते. उसके बाद आपका है वेज टू हैंडल द मिसिंग डेटा ड्यूरिंग क्लीनिंग. यानी ड्यूरिंग क्लीनिंग के दौरान कौन कौन सी मिसिंग डेटा है जिनको हम हैंडल करेंगे. पहला आपका है कि यूजिंग द एट्रीब्यूट मीन्स टू फिल इन द मिसिंग वैल्यू. अगला आपका है प्रिडिक्ट द मिसिंग वैल्यू बाय यूजिंग अ लर्निंग एल्गोरिथम लाइक डिसीजन ट्री, रिग्रेशन एक्सेट्रा, जो कि रिग्रेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उससे हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. अगला आपका है यूजिंग द ग्लोबल कॉन्स्टेंट लाइक NA. अगला आपका है इग्नोर द टपल्स, यानी टपल्स को इग्नोर करके. तो ये सारे बेसिकली क्या है, प्रोसीजर है.